अमन इन्फोटेक इंस्टीट्यूट वालों थोड़ा सारे का स्वागत है। अज मैं थोड़े लिए पंजाबी स्टैंडर्ड का पैसे लैके आया हाँ। तो जेकर तुहानू एडुकेशन वधिया लगे तो प्लीज़ चैनल सबसक्राइब लाइक एंड शेयर करना ना भूलो। तो अज की अपनी एडुकेशन आप शुरू करते हैं तो स्टार्ट करिए। चलो स्टार्ट। जलवायु परिवर्तन के माड़े प्रभावों विच भोजन की उपलब्धता सब तो वड्डे संकट वजो उजागर किया गया है। डंडी पिछले साल के अंकड़ों पर नज़र मारीे तो यह चिंता होर डूंगी होने लगी है। डंडी पिछले साल पूरी दुनिया में 25 मिलियन लोगों गंभीर खुराक संकट का सामना करना पड़ा। डंडी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वालों जारी ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट विच चिंता जाहर की गई है कि 2050 तक करीब 7.2 करोड़ लोगों के भोजन संकट कारण कुपोषण का शिकार होने की संभावना है। डंडी इस दे लई संस्था ने दुनिया के सारे देशों नू समाजिक सुरक्षा प्रणाली विकसित करन लई तुरंत सरगर्म होने की लोड़ दसी है। डंडी यह एक अनुकूल समुची अते लचकदार पहुँच की मंग करता है ता जो संकट की स्थिति विच इस नू जल्दी अते प्रभावशाली ढंग नाल लागू किया जा सके। डंडी जलवायु परिवर्तन का सब तो माड़ा असर खेती ते पिया है। डंडी खेती उत्पादन विच गिरावट आई है। डंडी किते ज़्यादा मीह पैण कारण अते किते सोके कारण फसलां वड्डे पद्धर ते बर्बाद हो जांदियां हन। डंडी इसे लई खास करके विकासशील अते गरीब देशां विच खुराक सुरक्षा नूं लै के चिंता होर डूंगी हुंदी जा रही है। डंडी भारत दे सामने संकट कई कारण करके वड्डा है। डंडी सब तो पहला यह आबादी दे लिहाज नाल दुनिया दा सब तो वड्डा देश बन गया है। डंडी दूजे पासे खेती उत्पादन विच कमी आ रही है। डंडी भावें भारत अनाज दे मामले विच आत्मनिर्भर है पर जिस तरह उत्पादन घटता जा रहा है अते जो उत्पादन हुंदा है उसनू पूरी तरह सुरक्षित ढंग नाल स्टोर नहीं किया जा सकता है। इसलिए लंबे समय तो खुराक सुरक्षा कानून की पालना करना एक चुनौती बन रहा है। डंडी पहला ही ऐसी करोड़ों तो वध आबादी नू मुफ्त राशी बन रहा है। डंडी पहला ही ऐसी करोड़ों तो वध आबादी नू मुफ्त राशन ते निर्भर रहना पै रहा है। उन्हां कोल अपनी रोटी जुटाउण लई रोजगार दे अजिहे साधन नहीं हन। डंडी इस तरह इस आबादी विच कुपोषण दी गंभीर समस्या है। डंडी वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन दे अंकड़े अनुसार भारत विच दुनिया दे किसी भी होर देश नालों वध कुपोषित बच्चे हन। डंडी पोषण दी गारंटी सिर्फ इसलिए नहीं दित्ती जा सकती क्योंकि अनाज एक जां दो वार पेट भरन लई प्रबंध किया जाता है। डंडी पोषण की गारंटी सिर्फ इसलिए नहीं दित्ती जा सकती क्योंकि अनाज एक जां दो वार पेट भरन लई प्रबंध किया जाता है। डंडी सही पोषण लई फल दुध सब्जियां आदि की लोड़ींदी उपलब्धता जरूरी है। डंडी इसलिए कोई सरकारी प्रबंध नहीं है। डंडी अजिहे च इत्थे कुपोषण की समस्या होर वधण की संभावना है। डंडी पर
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਸਨ। ਡੰਡੀ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਡੰਡੀ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ